तो वे मरणगे, नाम अहंकार हाँ वो भी मरेगा। वो मरना धर्म है, वो तो लहरा में उठा रूप है। अरे लहर किन्नी भी सोनी हो, किन्नी भी उच्ची उठ जा रहे, एक पल आकाश में शोह लताम परे दूजे पल ही टूटना शुरू हो जाता है। तीसरी महला पहला जी सूर्य को बोलते हैं, सार कर में दास दास में सोए जा देखा था अवर्ण को, या फिर सब ने अपने तपस्या में ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत कोई, या फिर कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब विच आपे हीरा निर्मला आपे रंग मीट आपे मोती उछलो आपे पंतर सिंह। क्योंकि ये सारा जग, क्योंकि इस जग विच ब्रह्म के ज्ञान से माया का पर्दा पिया हुआ है, जब एक पर्दा चुकया जाता है तो पूर्ण परम गति प्राप्त होती है। परम गति प्राप्त करने वाला ब्रह्म ज्ञानी सर्वदा ठाकर स्थिर बुद्धि नाल संशय रहित विचारता है। वो हर सुख की भावना तो बिना लेत रहता है, बुद्धिमान विवेकी होता है वो, इसलिए गैरी मित्र सुख दुख परमात्मा पापी सब समान है। ब्रह्म ज्ञानी जो दूसरे नु ज्ञान की रोशनी प्रदान करता है, ब्रह्म ज्ञानी सच के मार्ग से चलने की प्रेरणा देता है। ब्रह्म ज्ञानी सब तो उत्तम है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। ब्रह्म ज्ञानी जो ब्राह्मण के तत्वों की खोज करके इस विचले परम तत्व दूसरे नु तालीम देता है, जो ताकतपुर हैं, जो धरती विच सोना जो मंगलन के गुमका के बजाय फैलाया जाता है, चांदी सोना सील इस तरह ही मारू हथियार मानते हैं। सब कुछ सोझी है ब्रह्म ज्ञानी नु, ब्रह्म ज्ञानी जिसनु पशु पंछी पौधे रुख वेर पत्ता पत्ता जरे जरे विच हरी हरी हीरे की जोत दिसती है। अरोम रोम में वसे मरा, हर रोम रोम विच वसता जो दुखोंदे ने, ते उन्हां बारे नानक बाणी बार बार ध्यान रखी है, हर संकट को हल करती है। उत्तम लाही नूरी अमृत बाणी है, अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदगी मन सुनिए हर ले बुलाए राम, चिरी मछुना हर पग पाया गल मिलया सहज सुभाए राम। परमात्मा भगत करने वाले भगतन की आत्मक जीवन देने वाली लाही रचना शुद्ध जुड़ के और बाणी मन नाल ध्यान नाल सुननी चाहिदी है। मैं नानक नूं चिरां दा विछड़िया है प्रभु मिल गया है, चिरां दा विछड़िया है परमात्मा मिलया है, आत्मक डोलता दे कारण गल ला लगदा है। भगत सतगुरां दी उत्तम बाणी दे गुण गाउण रहा विछड़िया रूहां दा मेल हो जांदा है। उत्तम बाणी जो भगत सतगुरां दी है, महला पहला जी उन्होंने बारे कहते हैं, लिखते हैं, फरमाते हैं, तो उन्होंने मिल के परमात्मा की सिर्फ सलाह कराना जिन्हों का जम भी कुछ नहीं विगाड़ सकता। सिद्ध सत गुरु क्योंकि जम गंभीर पुरश बथेरे, जे तिन मिला धरती अखा ता मंग सेव करे, ऐसे भगत मिले जा नानक तिन जम क्या करे। क्योंकि वाह प्रभु आप हीरा है, आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजेठ आपे मोती उदरो आपे भगत सेठ, कहने पूर्ण भाग पै जिस प्राणी पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर ठोक देने वाला। पर मौजूदा समय पक पका लिया लोगों ने सच नहीं बोलना, झूठ दिया बागा फड़निया ने, अधर्म धारिया ने, विखावा कर रही ने, जो सच दे उल्ट प्रदूषण फैला रहे ने बेचारा का, सच सुन के उन्होंने दिल से छुरियां चल दया हैं, विगड़ बैठे ने। ब्राह्मणी चर्च की पान चढ़ गई इन्होंने लोगों लोक मना से गुरु ग्रंथ साहब के आलोचकों चाहिए है, अपनी सोच तो आत्मा तो पुराने वस्त ला के गुरु ग्रंथ साहब की सोच अपना। जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब नहीं विचारिया वो झूठे ने, उन्होंने बोल कौड़े जरूर लगते ने जो किताबा पढ़ते ने, किताबा पढ़ के वाद विवाद पैदा करते ने व्यर्थ का। गुरु ग्रंथ साहब जी किंतु पंत खुद करना भी रतागरेग नहीं करते, जिन सिख अखवाना है गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नीड ला के जरूर विचारे खोज करे समान कल के, वरना वहसबाजी चिट्टे चोर वांग बुरी हुंदी है।
विचार राही सिटी ते पहुंच जायदा है। जिम्मे मच्छी आकर पत्र चट के मुड़ती है पर नस्लवादी पिछा मुड़ के देखता ही नहीं। व्यर्थ दे वाद विवाद तो खलासी किवें हो, खलासी हो नहीं सकती कदे भी जब तक उल्ट विचारों का प्रदूषण फैला जाता जाएगा। उतनी देर ब्रह्म ज्ञान की हनेरी नहीं चुलेगी, अमृत की लाही नूरी वर्खा पे बसती है हर रोज निस्वास पर, लेकिन इसका आनंद पशु जगत लेने वास्ते तैयार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी इन सत्य का ध्यान दिला रहे हैं। प्रेम भक्ति तो सखनी रूह दुआगण की निशानी है, कि सावन की घटा चढ़ती है, बदल गर्जन है, बिजली लटकती है, पूरे की ठंड ठंडी हवा बदलती है, वर्खा दी बूंदा लोग की तरफ छिपी हैं। कितना रस भरिया है समा उन्होंने सुहाग जिन्हों के पति उन्होंने पास हैं, परदेश गए पति सारी मौज बाहर अजे भी तफशी देती है सुहागणा ने। प्रभु जात सखनी जिन सुख खादा सुहागणा ने सुहागणा सुख मानदिया ने, इसलिए माया असर पाती है ते माया अपना असर पा सकी। उन्होंने जिक्र इन आया पिंडे की रंश वंश सुनी सिख ये जान ही नहीं सके, वो तो इन जिम्मे पत्थर अंदर पानी जा नहीं सकता। गुरु ग्रंथ साहब जी विच महला पहला जी ध्यान गा रहे हैं, तू सचा सचिया अर्जन सच वरताया, ताड़ी बैठा लाए कबल छिपाया, ब्रह्मे वड्डा कहाए अंत ना पाया, ना ते सरूप ना ते सुभाव ना माए तिन तुजाया, ना ते सरूप नरेख वरण सवाया, ना ते सुख प्यास रजा पाया, गुर पे आप समोया शब्द वरताया, सचे ही पिताए सच समाया। सवे रहने वाला प्रभु तू ऐसी हस्ती का मालिक है, सचारे के जिसने अपनी ए हस्ती हर था मरताई है, अजे सृष्टि उत्पत्ति नहीं सी जो तू अपने आप विच समाधि लाए बैठा से। ब्रह्मा ने भी जो जगत रचना वाला मना जाता है, ये भेद नहीं समझा ते अपने आप नु सब तो वड्डा अखवाया। अज भी उन्होंने अंश पांच वड्डे खवादी है, भाई सुनी सिख पंडित पुजारी, उस तेरी सार नहीं पी किसने तेन पैदा किया है, तेन जन्म देने वाला कोई नहीं, उस प्रभु का कोई मा प्यो नहीं, उसके कोई खास खुल स्वरूप निशान तस्वीर सारे वांग उसने हैं, उसने कोई पुख्ते नहीं अजिहा पुजा है। भाई प्रभु अपने आप न गुरु विच लीन करके अपना शब्द पासने सारे जगत विच बन रहा है, गुरु इसका कायम रहन वाला प्रभु विच पतीज के सदा तक प्रभु विच ही जुड़िया रहिंदा है। सूजी महला पहला जी अपने गुरु बारे करवा रहे हैं। हर मंदर सोई आखे जिथो हर जाता, मानस ते गुरु बचनी पाया सब आत्मा रण पछाता, बाहर मूल न खोजिए हर में विधाता, मन मुख हर मंदर की सार न जाने जिनी जन्म गवाता, सब में एक वर्तदा गुरु सबदी पाया जाए। ये अपने गुरु बारे महला पहला जी सूजी करवाउंदे हैं। उंज तो सारे शरीर हरिमंदर भाव रब दे रहने वाले थान, पर असली विच ओही शरीर हरिमंदर कहा जाना चाहिए जिस विच रब पछाण जाए। सो मनुखा शरीर हरिमंदर है, क्योंकि मनुख शरीर विच गुरु दे हुक्म ते तुर के रब लभदा है। हरिमंदर पिछे तुरन वाले बंदे इस मनुखा शरीर हरिमंदर की कदर नहीं जानते, हर कदर नहीं जानते, वह मनुख जन्म मन के पिछे तुरक ही गवा जाते हैं। इवें मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना, मूर्ख के क्या लखना, मूर्ख के क्या लखण है, क्या मूर्ख का करना, मूर्ख ओ जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एक मणे सदा दुख दुख, एक मणे सदा दुख दुख ही में रहना, मूर्ख का क्या ओही सुनदा, भाव मूर्ख के कही ओही लगता जो आप मूर्ख हो गए। मूर्ख के लक्षण के हैं, मूर्ख की कतूत कैसी हिंदी है, जो मनुख माया का ठगया होया हुंदा है, जो हंकार हंकार विच आत्मक मौते मरिया होवे उसने मूर्ख कहता है, माया की हस्ती ते हंकार विच जो कुछ करिए उसका सदा दुख प्राप्त हुंदा, सदा दुखी रहिंदा, माया नाल बहुता प्यार करने वाला मनुख माया के मुंह खूह विच डिग पैंदा, उसके बचाओ का केड़ा उदम किया जा सकता है, कोई भी नहीं। इसलिए
ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਆਖੀ ਰੇਵਣਾ ਸੁਣ।